बिटिया को रजियोल सिंह ने आश्रम में मार के गाड़ दिया। हमारी लड़की का अपहरण करके हत्या करके अपने ही आश्रम में गाड़ दिया था सपा मंत्री के बेटों ने। तब से हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, जैसे पहले भटकते थे वैसे आज भी भटक रहे हैं। कोई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में दिसंबर 2021 में एक घटना हुई थी। उस घटना में एक पीड़िता का अपहरण किया गया, उसके साथ गैंगरेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। आज लगभग 2 साल बीत गया है और परिवार को न्याय नहीं मिला है। उल्टा जो मृतिका है, जो बेटी मर गई, उसके पिता पर 4 से ज़्यादा बार हमला हो चुका है। इन मामलों में अलग 4 FIR दर्ज हैं। पहली FIR 10 दिसंबर को दर्ज हुई थी। 8 दिसंबर को जब बच्ची लापता हुई, पीड़ित परिवार थाने गया था, उनकी FIR नहीं लिखी गई। जब इनने मिन्नत की, 9 तारीख को भी थाने गए थे, तब भी FIR नहीं लिखी गई। 10 तारीख को किसी तरह पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, फिर भी उस बेटी की तलाश नहीं की। और फरवरी 2023 में बच्ची की लाश एक आश्रम में मिली थी। इसके बाद से ये पिता जो है और इनका परिवार लगातार इस केस को लड़ रहा है। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे क्या वो घटना थी और कैसे ये किस्सा शुरू हुआ था। आज दिसंबर की घटना है। हमारी बेटी किसी काम से घर से निकली थी, उसी समय यहाँ के बाहुबली सपा मंत्री कैबिनेट मंत्री फतेह बहादुर सिंह के पुत्र गड़ों ने हमारी लड़की का अपहरण करके हरदोई पुल से उठा लिया था और अपने ही दिव्यन आश्रम में लड़की को बंद कर दिया था। 18 दिन तक हमारी लड़की से के साथ गैंग रेप करते रहे। हम शासन प्रशासन के चक्कर काटते रहे। प्रशासन से हम नामजद FIR लिखवाना चाह रहे थे, लेकिन सत्ता पक्ष इतना पैसे वाला था कि हमारी FIR नहीं लिखी जा रही थी। COSP के चौखट पे हम नाक रगड़ रहे थे कि सर हमारी सुन लीजिए, लड़की इसी के पास है, लेकिन कोई सुनवाई मेरी नहीं हो रही थी। फिर मेरी गुमशुदगी लिखी गई, जबकि मैं नामजद मुकदमा लिखवाना चाह रहा था कि रजो सिंह ने हमारी लड़की का अपहरण किया है। लेकिन सपा नेता के और कैबिनेट मंत्री इनके पिताजी रहे और इनके भाई ब्लॉक प्रमुख थे, यहाँ के संजय प्रधान थे, तो सब लोग मौजूदा दबंग व्यक्ति थे, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। और जिस आश्रम में हमारी लड़की बंद थी, उस आश्रम की मैंने पहचान की थी और लड़की मेरी वहीं पर बंद थी। मैंने यहाँ के दरोगा साहब प्रेम प्रकाश दीक्षित थे, उनसे कहा कि सर मेरी लड़की यहाँ पर बंद है, आप चलिए। दरोगा साहब नहीं गए, अपने दीवान को भेजा। वहाँ पे उन्होंने सारे कमरे खोल के दिखवा दिए। एक 3 मंजिल की कोठी थी, उसमें हमारी लड़की बंद थी। हमने कहा सर इसका ताला खुलवा के दिखवा दिया जाए। उन्होंने कहा कि इसकी चाबी अशोक सिंह के पास है, अशोक सिंह नखलऊ में रहते हैं, जब वो आएंगे तब खोल के दिखाया जाएगा। वो हमें कोठी खोल के नहीं दिखाई गई। इस प्रकार हम लोग बहुत भटकते, SP से लेकर यहाँ से नखलऊ तक सब लोग भटकते रहे, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। तब लोग बिल्कुल बेहाशा अताश होकर के, फिर एक दिन अखिलेश, हमने सोचा कि ये सपा के मंत्री के लड़के हैं, हो सकता है अखिलेश यादव के सामने मैं अपनी बात को रखता हूँ, इनकी पार्टी के आदमी हैं, वो हमारी बेटी को ये दिलवा दें। अखिलेश के पास गया, लेकिन वहाँ पर भी अखिलेश ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। तो हम लोग बेहाशा हताश होकर के कि हमारी वाइफ ने बिल्कुल कंट्रोल ऑफ हो गई थी, तो उन्होंने पेट्रोल डाल के उनकी गाड़ी के सामने कूद गई। तब प्रशासन हरकत में आया था, तब हमारी बेटी की खोजबीन शुरू हुई। हकीकत वही निकली जो हम कह रहे थे कि हमारी लड़की इस कमरे में बंद है, हमारी लड़की दिलाई जाए, अगर प्रशासन तब हमारी सुनवाई कर लेता तो हमारी बिटिया जिंदा मिल जाती। 18 दिन तक हमारी लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करते रहे, जैसा कि पोस्टमार्टम में आया। 63 दिन बाद लड़की की हमारी लाश उन्हीं के आश्रम से उन्हीं की निशानदेही पर बरामद हुई थी। पोस्टमार्टम में लड़की की मृत्यु 45 दिन दिखाई गई है और लाश 63 दिन के बाद निकली थी। इसका मतलब है कि हमारी लड़की के साथ 18 दिन तक इन्होंने सामूहिक बलात्कार करते रहे थे। अत्याचार जो भी हम दलित कुचले हुए लोगों के साथ ये लोग करते आए हैं वो करते रहे। अगर प्रशासन समय से हमारी कार्रवाई कर लेता तो
तो हमारी बिटिया जिंदा मिल जाती। अभी क्या चल रहा है इस केस में, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी? सारे आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पैसे के कारण हम लोग इतना स्थित हमारी नहीं सही है कि हम हर जगह पे मुकदमा सही तरीके से लड़ सकें। ये लोग हाई कोर्ट तक पैसा भर के सब कुछ, सारे आरोपी जेल से बाहर आ चुके हुए हैं। अब ये लोग आ करके हमारे ऊपर आए दिन हमला करवाते हैं। चार बार हमारे ऊपर हमला हो चुका है, हमारी उंगली टूटी हुई है, जैसा कि हमारी वाइफ के मुंह से खून निकल रहा है। सब देखते हुए प्रशासन यहाँ का मौन है। जैसे हम पहले प्रशासन के चक्कर लगा रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमारी लड़की इनके पास है, अब वैसे प्रशासन से फिर कह रहे कि हमारी जान खतरे में है, लेकिन कोई प्रशासन उचित कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। जिस परिवार पर चार बार उन्हीं के गुर्गों द्वारा हमारे ऊपर हमला करवाया जा चुका है, लेकिन प्रशासन अभी तक इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया है, और आगे अगर नहीं लेता है तो हमारा पूरा परिवार फिर से मार दिया जाएगा। कोई ना मुकदमा लड़ने वाले बचेगा, ना कुछ नहीं होगा। एक दिन हमारे लड़के के साथ सामूहिक बलात्कार कर चुके थे। लड़की ने हमारी आकर बताया, रोने लगी कि पापा हम इस जगह काम करते थे, लोग हमारे साथ ऐसा काम किया है, लेकिन हम लोग गरीब परिवार थे और ये लोग दबंग व्यक्ति थे, इस कारण हमने इस मामले को दबाया। हमने कहा बिटिया चलो जो कुछ हुआ तो हुआ, अब आगे ना कहना। उस बात को दबाने की वजह से इनके हौसले बुलंद हो गए। फिर इन्होंने 8 दिसंबर 2022 को हमारी लड़की का अपहरण कर लिया। दिव्यान आश्रम में 18 दिन तक हमारी लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करते रहे। हमारी लड़की का अपहरण करके हत्या करके अपने ही आश्रम में गाड़ दिया था सपा मंत्री के बेटों ने। तब से हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, जैसे पहले भटकते थे वैसे आज भी भटक रहे हैं। कोई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कोर्ट में भी इतना पैसा बट रहा था कि हम लोग देख देख के रोने लगते थे कि मेरी लड़की भी चली गई और न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अब हम लोग क्या करें, थक हार के क्या बैठना पड़ जाएगा? और जितना हमें एसटी एक्ट का पैसा मिला था, सारा प्रशासन, 4-6 प्रशासन लगी थी मेरे पास, सारा यहाँ से लखनऊ तक मेरा पूरा पैसा बर्बाद हो गया। अब हम लोग इतने मुसीबत से झेल रहे हैं कि उन्नाव तक जाते हैं तो हम किराए को चार बार सोचते हैं कि हम कहाँ से क्या करें। अब घर में 2 बच्चे हैं, ना खाने को हम लोगों को अगर कंट्रोल का राशन ना मिले तो हम लोग भूखे मरने लगेंगे। और कोई हमारी यहाँ अभी भी सुनवाई नहीं हो रही है, और देखो न्याय मिल जाए तो हम लोगों को बहुत बड़ी बात है। और अशोक सिंह हमारे रिश्तेदारों में धमकाने जाते हैं, कहते हैं कि मुकदमा सुलह हो जाओ, गवाही हो तुम, तो हमारी माँ के पास गए, बुलाया, कहने लगे तुम्हारी लड़की सुलह नहीं हो रही, अपनी लड़की से कह दो कि 5 लाख रुपए ले ले और सुलह हो जाए। तो मेरी माँ ने कहा कि हमारी नातिन चली गई है, तुम्हें पड़ी है कि सुलह हो जाओ, अपनी लड़की हमारे घर भेज दो और मार के गड़वा दें तो हम सुलह हो जाएंगे। इतना दबाव बन रहा है, कह रहे हैं 20 लाख रुपए ले लो और सुलह हो जाओ, लेकिन हम लोगों के सामने कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग तुरंत एसपी ऑफिस में खड़े हो जाएंगे। इधर उधर से बहुत धमकियां मिल रही हैं, हमारे लड़के, हमारी लड़की, आदमी और नाते रिश्तेदार, जितने गवाह भी हैं वो भी डरे हुए बैठे हुए हैं। आरोपी पक्ष से मेरी कोई मुलाकात नहीं होती है। इधर उधर से दबाव बनाया जा रहा है कि केस सुलह हो जाओ, नहीं तो तुम्हें पूरे परिवार को हम जान से मार देंगे, और अगर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे जाए तो हम गरीबों के पास क्या है। जान से इनकी मौत मरने से अच्छा है, जैसा कि अभी देखना है पुरवा में एक किसान ने न्याय के लिए लड़ते लड़ते आत्मदाह एसपी ऑफिस में कर लिया, वो मर गया, वैसे ही हम लोगों भी कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। इनकी मौत मरने से अच्छा है कि मैं अपनी मौत एसपी ऑफिस में मर जाऊंगा जाकर के, अगर मेरी सुरक्षा सही तरीके से नहीं करी गई तो। द मूक नायक की खबरें अब ऐप पर भी, इसे आप गूगल प्ले स्टोर या दिए गए QR कोड से
स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। वंचित शोषितों की खबरें, ग्राउंड रिपोर्ट और वीडियो अब एक ही प्लेटफॉर्म पर। डाउनलोड करें और रेटिंग देना ना भूलें।